को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मूवी की शुरुआत में हमें 1846 का सीन दिखाया जाता है, जहां ओलिवर, जिम और फेरिस नाम के तीन लोग छोटी नाव में सवार होकर समुद्र के रास्ते आगे बढ़ते होते हैं। दरअसल ये सभी अपने जहाज के साथ काम के सिलसिले में निकले थे, लेकिन अचानक ही उनकी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाद इसे तीनों बचकर एक छोटी नाव के जरिए समुद्र में आ गए। वहीं वो लोग नक्शे के जरिए समुद्र के आसपास किसी आइलैंड की तलाश में होते हैं, और तभी फेरिस को एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं, इसलिए तुरंत ही अपने नाव को उसी आइलैंड की तरफ मोड़ लेते हैं। पर वही आइलैंड से कोई दूरबीन के जरिए उन्हें देख रहा होता है। अब उस आइलैंड पर आने के बाद वो लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी माचिस गीली होने के कारण आग जल नहीं पाती, और साथ ही ओलिवर के कंधे पर काफी गहरी चोट लगी होती है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। और तभी वहाँ फिंगल नाम का एक बुजुर्ग आदमी आकर उनका इस आइलैंड पर स्वागत करता है। वो उनसे कहता है कि आप लोगों की हालत देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आप सभी काफी परेशान और थके हुए हो, इसलिए अगर आप चाहो तो मेरे कॉटेज में चलकर आराम कर सकते हो। और ओलिवर कहता है कि हमारा जहाज यहाँ से थोड़ी दूरी डूबा है, हो सकता है कि वहाँ कोई जीवित हो, इसलिए हम यहाँ पहले आग जलाना चाहते हैं ताकि धुएं के कारण वो यहाँ आ सके। जिस पर फिंगल कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं वापस आकर आग जला दूंगा, जिसके बाद वो उन्हें अपने कॉटेज में लाकर खाना और पानी देता है। और वहीं खिड़की के बाहर से फिंगल की बेटी विलियम उन्हें देख लेती है, और तुरंत के बाद गांव के डॉक्टर डगलस की भतीजी लैंटे को बताती है कि हमारे आइलैंड पर तीन लोग आए हैं जो शायद हमारी मदद कर सकते हैं, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। इधर ओलिवर और बाकी कॉटेज को एक्सप्लोर करने होते हैं, जहां ओलिवर को जेकब नाम के आदमी द्वारा लिखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसे वो पढ़ने लगता है। अब कुछ देर आराम करने के बाद फिंगल उन्हें डगलस के पास ले जाने लगता है, और तभी रास्ते में विलियम जिम से कहते हैं कि जेकब तुम कहां थे, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। फिंगल उसे तुरंत वहां से जाने को कहता है, जिसके बाद वो बाकी को बताता है कि काफी समय पहले इसका भाई यानी कि मेरा बेटा जेकब पानी में डूबकर मर गया था, जिसके इसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है, और तब से ही वो किसी भी अजनबी को अपना भाई कहने लगी है, जो सुनकर सभी को बुरा लगता है। अब इसके बाद सभी डगलस के घर जाते हैं, जो फिंगल के कहने पर उन्हें रहने की जगह दे देता है। अब कुछ देर आराम करने के बाद वो सभी खाना खाने आ जाते हैं, जहाँ लैंटे ओलिवर के गांव पर दवा लगा देती है और ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब सभी सो रहे होते हैं कि तभी जिम को घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर देखने जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। और तभी अचानक उसके सामने विलियम आकर उसे जेकब कहने लगती है, जो देखकर जिम डर के मारे घर के अंदर भाग जाता है। अब अगले दिन ओलिवर जिम और फेरिस से कहता है कि मुझे यह बहुत ही अजीब लगता है, हमें इसकी तलाश लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इन चारों लोगों के अलावा कोई भी नहीं रहता, जबकि घर कई सारे हैं। और तभी वहाँ लैंटे आ जाती है, और ओलिवर उसे कहता है कि हम कुछ समय बाहर टहलने जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, और अगर बाहर जाना जरूरी है तो तुम जिम और फेरिस को भेज दो। और फिर तभी वहाँ डगलस आ जाता है, जो उनसे कहता है कि इस आइलैंड पर सब कुछ वीरान है, इसलिए जो लोग यहाँ रहते थे वो सभी इस आइलैंड को छोड़कर चले गए, और अब बस हम चार के अलावा कोई नहीं रहता, और अगर तुम लोग फिर भी इस आइलैंड को देखना चाहते हो तो जा सकते हो। जिस पर फिर ओलिवर जिम और फेरिस को आइलैंड एक्सप्लोर करने भेज देता है। इधर जिम और फेरिस अलग अलग होकर आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जहाँ फेरिस जंगल में आगे बढ़ते हुए रास्ता भटक जाता है, और तभी कोई शैतानी आवाज उसका नाम लेकर उसे अपने पास बुलाने लगती है, जिससे फेरिस एकदम घबरा जाता है। वहीं जिम शाम हो जाने के कारण कॉटेज में आ जाता है, जहाँ ओलिवर उसे सवाल करता है कि फेरिस कहाँ है, जिस पर वो हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि वो वापस आ गया होगा। जो जानने पर ओलिवर तुरंत फेरिस को ढूंढने जंगल में जाने लगता है, पर डगलस उसे कहता है कि रात को जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम्हें सुबह उसे ढूंढने जाना चाहिए, इसीलिए वो सुबह जाने का तय करता है। पर अब कुछ समय बाद ओलिवर को लैंटे के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चुपके से उसके कमरे की तरफ जाता है, जहाँ कमरे के अंदर डगलस भी मौजूद होता है, जिसे आसपास किसी के होने का आभास हो जाता है, इसलिए वो जैसे ही बाहर आता है ओलिवर एक जगह छिप जाता है। अब अगले सीन में ओलिवर फिर से जेकब की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि एक जगह जिस आइलैंड की तरफ आकर डूब गया, और फिर कुछ सबको लाइन से आइलैंड के किनारे इस तरह रखा गया था मानो किसी ने जानबूझकर उनकी हत्या की हो। साथ ही डगलस की बेटी बिली की भी मृत्यु हो चुकी है। अब वहीं ओलिवर ये डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है, और तभी उसे डरावने सपने आने लगते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें खुल जाती है, जहां घर में चारों तरफ अंधेरा होता है, और जैसे ही वो मोमबत्ती जलाता है हम उसके पीछे लोना नाम की फीमेल की आत्मा को देख पाते हैं। अब अगले दिन सभी को फेरिस का शव समुद्र के किनारे मिलता है, जो देखकर सभी दुखी हो जाते हैं, और अब उसके शव को देखकर डगलस कहता है कि ऐसा लगता है मानो इसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया हो। वहीं ओलिवर उसे कहता है कि हमें एक जहाज चाहिए ताकि हम समुद्र के बीच फेरिस के शव को डाल सके, लेकिन इस पर डगलस कहता है कि अभी तूफान आने वाला है, तुम्हें तूफान थम जाने का इंतजार करना होगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद ओलिवर जिम से कहता है कि यहाँ जा, हम हमारी नाव से फेरिस को समुद्र में डालकर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये आइलैंड मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो जिम को कॉटेज जाने का कहकर खुद नाव लाने चला जाता है। और तभी वहाँ लैंटे आ जाती है, जो ओलिवर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ से जरूर जाऊंगा, और अगर तुम भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल सकती हो, लेकिन लैंटे कहती है कि वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, जिस पर ओलिवर सवाल करता है कि कौन तुम्हें
में जाने नहीं देगा। और लैंडे इसका कोई जवाब नहीं देती, जो सुनकर ओलिवर को थोड़ा अजीब लगता है। अब रात होते ही वो जिम के साथ फेरिस के शव को लेकर अपनी नाव के जरिए समुद्र में उतर जाता है, जहाँ थोड़ी दूर आने के बाद वो दोनों फेरिस के शव को समुद्र में बहा देते हैं। और तभी अचानक उनके चारों तरफ धुआं फैलने लगता है, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आसपास कोई जहाज डूब रहा है और जहाज पर सवार सभी लोग उन्हें मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, जो सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। और अब समुद्र में भी तूफान उठने लगता है, इसलिए मजबूरन उन्हें फिर से उसी आइलैंड पर आना पड़ता है, जहाँ फिंगर लैंटर्न लिए खड़ा होता है। ओलिवर अब उससे कहता है कि समुद्र में कोई जहाज डूब रहा है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन उन्हें कॉटेज लाकर एक शॉकिंग जानकारी देता है कि वो जहाज आज से 5 साल पहले ही डूब चुका था, जिसमें हमारे गांव के लोग सवार थे जो जरूरत का सामान लाने शहर जा रहे थे, लेकिन जहाज के डूब जाने के कारण वो सभी लोग मारे गए। वो ये भी शेयर करता है कि पहले हमारा आइलैंड भी काफी अच्छा हुआ करता था। लेकिन एक दिन अचानक समुद्र के किनारे हमें लोना नाम की लड़की का शव मिला और उसके बाद से हमारा गाँव बर्बाद हो गया, इसलिए मजबूरन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। लेकिन फिर भी ओलिवर और जिम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब अगले दिन लैंटर को अजीब दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी आंखों का रंग ही बदल जाता है और वो चाकू से डबरस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो जैसे जैसे उसे रोक लेता है। इधर जंगल में विलियम भी अजीब तरह का रिचुअल कर रही होती है, जहाँ डबरस उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि लैंटे की आसपास भी दिखाई मत देना, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हो। जो सुनकर विलियम उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिम और ओलिवर फिर से आइलैंड से जाने का सोचते हैं, पर ओलिवर उससे कहता है कि मेरे ख्याल से हमें एक दिन और रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे फिंगर की बात कुछ अधूरी लगी, इसलिए मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर इस आइलैंड की सच्चाई क्या है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं। जो सुनकर अब जिम भी मान जाता है, इसलिए ओलिवर जंगल में डबरस के बेटे बिली और फिंगर के बेटे जेकब के कब्र के पास आता है। और तभी लॉर्ना उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है, जिसे सुनकर ओलिवर डर के मारे कांप उठता है। वो फिर भी अब आवाज का पीछा करता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वहाँ से घर आ जाता है, जहाँ वो फिर से जेकब की डायरी पढ़ने लगता है, जिसमें आगे लिखा होता है कि हमारे गांव में लॉर्ना नाम की एक लड़की रहने आई, जिसे मैं पहले ही नजर में पसंद करने लगा, क्योंकि वो काफी खुश मिजाज की लड़की थी, इसलिए बाकी लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। वहीं बिली भी उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन लॉर्ना उसे पसंद नहीं करती थी। वहीं इधर जिम जब घर में होता है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे बुला रहा है, इसलिए वो गन लेकर घर से बाहर आ जाता है। और दूसरी तरफ ओलिवर अब भी डायरी पढ़ रहा होता है, कि तभी वहाँ लैंटे आकर उसे डायरी पढ़ने से मना करती है और साथ ही वो उसे अपना लॉकेट भी दिखाती है, जो हर खतरे से उसकी रक्षा करेगा, जिसके बाद वो दोनों क्लोज होने लगते हैं। लेकिन फिर लैंटे वहाँ से दूसरे कमरे में आकर खुद को लॉक कर लेती है, पर जब ओलिवर दरवाजे के होल से अंदर देखता है तो उसे लैंटे अजीब हरकत करते हुए दिखाई देती है, और तभी उसके सामने लॉर्ना आ जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। अब अगले दिन जंगल में सभी को जिम का शव मिलता है, जिसे विलियम जेकब समझकर काफी ज्यादा रो रही होती है। और तभी वहाँ लैंटे भी आ जाती है, जो विलियम से कहती है कि तुमने ही इसे मारा है, जो सुनकर वो उसे लड़ने लगती है, लेकिन सभी उनका झगड़ा छुड़ा देते हैं। और तभी लैंटे को फिर से दौरा पड़ने लगता है, और अब ओलिवर जैसे उसे संभालने जाता है, लैंटे की आंखों का रंग ही बदल जाता है, और फिर वो ओलिवर को धक्का मारकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। इसलिए अब सभी उसे उठाकर कॉटेज के अंदर ले आते हैं, जहाँ ओलिवर फिंगर पर गुस्सा करता है कि तुम सभी मिलकर मुझसे कुछ छिपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर फिर फाइनली फिंगर क्लाइमेक्स रिवील करता है कि काफी समय पहले हमारे घर में एक पार्टी थी, जिसमें सभी लोग मिलकर बहुत मस्ती किया करते थे, पर लॉर्ना ज्यादा समय जेकब के साथ थी, जो देखकर बिली को अच्छा नहीं लगा। इसलिए एक दिन जब लॉर्ना अकेले घर जा रही थी, तब बिली ने पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर वहीं से जेकब गुजर रहा था, जिसे देखकर बिली ने तुरंत लॉर्ना के मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश रखने की कोशिश की, ताकि वो चिल्लाकर जेकब को ना बुला ले। लेकिन इससे लॉर्ना की जान चली गई, जो देखकर बिली एकदम घबरा गया और अपना अपराध छिपाने के लिए उसे समुद्र के किनारे फेंक दिया। ऊपर से मैं और डगलेस ने भी उसे इंसाफ ना दिलाते हुए अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए लॉर्ना के शव को समुद्र में बहा दिया, ताकि किसी को ना पता चले कि लॉर्ना के साथ इस गांव में क्या हुआ, वरना लॉर्ना के गांव वाले हम में से किसी को भी नहीं छोड़ते। पर ऐसा करने के बाद भी हम सुकून से नहीं रह सके, क्योंकि लॉर्ना की मृत्यु के बाद से उसकी आत्मा ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, और फिर वो हर लड़की को अपने नियंत्रण में करके गांव के सारे पुरुष को मार देती थी। और साथ ही लैंटे और विलियम ने लॉर्ना के नियंत्रण में होकर जेकब को मार दिया, और तब से विलियम पागल सी हो गई, इसलिए अब इस गांव में हम बस चारों ही बचे हैं, और वहीं लॉर्ना हमें यहाँ से जाने देना नहीं चाहती, क्योंकि लैंटे और विलियम के कारण ही उसकी शक्तियाँ बरकरार है और उनके जरिए वो इस आइलैंड पर आने वाले हर लोगों को मार देती है। वो दरअसल उन दोनों के जरिए हमेशा जीवित रहना चाहती है, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो सुनकर ओलिवर उनका धन्यवाद करता है, और अब वो डगलस को लैंटे का दिया हुआ लॉकेट दे देता है, जिसके बाद अब डगलस लैंटे को उसके कमरे में बंद करके फिंगर के साथ ओलिवर को उसकी जगह से भेजने का बंदोबस्त कर देता है। और जाने से पहले वो उसे ईयरबड्स देकर कहता है कि इसे अपने कान में लगाए रखना, वरना समुद्र में जाते तुम्हें लोगों की चीखे फिर से इसी आइलैंड पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस पर ओलिवर उनका धन्यवाद करके समुद्र में उतर जाता है, पर लैंटे खुद को आजाद करके विलियम के पास आ जाती है, और वो उसे कहती है कि ओलिवर भाग रहा है, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन विलियम मना कर देती है। जिस पर अब लैंटे लॉर्ना के वश में होने के कारण विलियम को भी अपने वश में कर लेती है, और अब वो दोनों पहाड़ के ऊपर से ओलिवर को जाते हुए देखने लगते हैं, जहाँ उनके साथ लॉर्ना की भी आत्मा होती है। पर वहीं लॉर्ना को फिर से वो धुआं घेर लेता है, और साथ ही उसे वही चीखे फिर से सुनाई देने लगती है, जिससे ओलिवर पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो देता है, और अब वो अपने ईयरबड्स भी निकालकर पानी में डूब जाता है, जो देखकर लॉर्ना खुश हो जाती है। और अब जैसे उसका नियंत्रण कुछ समय के लिए लैंटे और विलियम से हट जाता है, तो वो श्राप
को खत्म करने के लिए पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और अब गांव में किसी भी महिला के नाम होने पर लोना की भी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, जिससे वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। अब लोना के मरते ही ओलिवर भी पानी के ऊपर आ जाता है और अपनी नाव के जरिए तुरंत उस आइलैंड से दूर चला जाता है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है।